जाम नदी के दोनों किनारों पर पसरा है गंदगी का आलम। खबर पाढ़ुना से, विश्वविख्यात गोटमार मेला 15 सितंबर को आयोजित होने को है और अभी भी जिस जाम नदी पर यह आयोजन होना है वहां गंदगी दोनों किनारों सावरगांव और पाढ़ुना दोनों तरफ व्याप्त है। गोटमार के बाद गणेश उत्सव की भी तैयारी है जिसके बाद जहां गणपति जी की मूर्ति को विसर्जित भी इसी नदी के दोनों किनारों पर किया जाता है। ऐसे में क्या गणपति जी को इस गंदगी के आलम में यहीं विसर्जित किया जाएगा? जहां तक अभी किसी प्रकार की कोई सफाई यहां नहीं दिखाई पड़ रही, गोटमार मेला को भी महज 6 दिन शेष हैं, जहां गोटमार मेले को देखने के लिए हजारों दर्शक बाहर गांव से आते हैं। यहां बड़ी संख्या में लोगों का आना जाना बना रहता है, शासकीय अमला भी बड़ी संख्या में मौजूद रहता है, लेकिन स्थानीय नगर पालिका प्रशासन का ध्यान अब तक इस ओर दिखाई नहीं पड़ रहा, जिस कारण कई प्रकार की बीमारियों के फैलने का अंदेशा बना है। अतः जल्द से जल्द नदी के आसपास की सफाई पर ध्यान देने की जरूरत है। खबर भारतवर्ष के लिए पाढ़ुना से प्रशांत माहुरकर की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।